नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार हेल्प यूट्यूब चैनल और मैं हूं जीत। दोस्तों आपको पता होगा बिहार में जो है टोला सेवक का आवेदन शुरू हो चुका है और यहां पे काफी सारा डाउट्स निकल के आ रहा है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा ये जो आवेदन प्रोसेस है अलग अलग जिला का नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट है कि बहुत सारे लोगों को जो है अपने जिला का नोटिफिकेशन मिल ही नहीं पा रहा है। और उसके बाद दोस्तों उनको ये भी समझ नहीं आ रहा आखिर आवेदन जमा कहाँ करना है। उसके बाद उनको ये भी कन्फ्यूजन है महिला आवेदन कर सकते हैं या पुरुष कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी बार बार कन्फ्यूजन आ रहा है कि इसमें मैट्रिक पास है या इंटर है या ग्रेजुएशन है, यानी कि बहुत सारा सवाल है क्योंकि हमने पिछले वीडियो का कमेंट पढ़ा है जिसमें आपका बहुत सारा डाउट्स है। तो इस वीडियो में हम सारा डाउट्स जो है आपका क्लियर कर देंगे कि आपको कैसे आवेदन करना है और क्या आप अपना नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर पाएंगे अपने जिला का। 100% लाइव प्रूफ आपको सारा जानकारी समझाने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा ताकि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए और वीडियो भी समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी जो है बिहार टोला सेवक के वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा इस तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों सारा जानकारी समझने के लिए सिंपली आपको गूगल में सर्च कीजिएगा biharhelp.in। जैसे सर्च करेंगे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब में दिख जाएगा बिहार टोला सेवक भर्ती 2023। दोस्तों ये आर्टिकल आपको ओपन कर लेना है, ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको डिटेल्स में समझ में आ सके और यहीं से हम आपको सारा प्रोसेस बताने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है इसका जो आवेदन है ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा और यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है जो बिहार के सभी जिला में वो दोस्तों यहाँ पे जो है 2578 पोस्ट है, उससे यही पोस्ट आपको सभी जिला में अलग अलग डिवाइड किया गया है। और इसका शैक्षणिक योग्यता, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सिर्फ जो है इंटर ग्रेजुएशन क्या योग्यता है, लेकिन आपको बता दें मात्र 10वीं पास रखा गया है। अगर आप इससे अधिक पढ़े लिखे हैं तो और अच्छी बात है, आप उसका भी लगा सकते हैं प्रमाण पत्र, लेकिन मात्र 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया। और दूसरा बात यहाँ पे कर ले आयु की, तो 18 वर्ष से अगर आप अधिक है और 45 से कम है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन हो रहा है, सबको पता है, और निःशुल्क हो रहा है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। और आवेदन जो है 19 अगस्त से शुरू है और लास्ट जो है 4 सितंबर तक दोस्तों इसको जो है आवेदन करना है। आगे और जो भी सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको बता दें ये जो 4 सितंबर से आवेदन शुरू हुआ है, सॉरी 19 अगस्त से, और ये लास्ट डेट जो है 4 सितंबर रखा गया है, 4 सितंबर तक आवेदन करेंगे। और मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। देखिए आपको बता दें लोग पूछ रहे थे कि इसमें क्या इसमें सिलेक्शन होगा, तो इसमें मेरिट लिस्ट आएगा। आगे हम आपको बात करेंगे कि कौन से बेस पे मेरिट लिस्ट आने वाला है, ये सब हम बाद में क्लियर करेंगे। पहले ये समझते हैं यह मेरिट लिस्ट आएगा 19 सितंबर को। वही दोस्तों मेरिट लिस्ट अगर आता है और किसी लोग को आपत्ति दर्ज करना है तो आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं 16 सितंबर 2023 तक। वही दोस्तों यहाँ पे जो है आपत्ति दर्ज करने का लास्ट डेट जो है 19 सितंबर तक रखा जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे चयनित सूची जो है यहाँ पे वेबसाइट पर 23 सितंबर को जारी किया जाएगा। पहला मेगा सूची यहाँ पे जो है जिला अधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर जो है सचिव को भेजा जाएगा, जो कि 12 अक्टूबर है। तो इस तरीके से डेट भी जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आवेदन आप करेंगे इसमें क्या क्या लगेगा ये भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको तो आधार कार्ड लगेगा ही, इसका प्रिंट आउट करा लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना बैंक खाता और आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मैट्रिक का मार्कशीट का आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा और जाति आय निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। आवेदन कैसे करना है ये सब हम समझते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आप अपने जिला का कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड यहाँ से कर लेते हैं, जो कि दोस्तों टोला सेवक के लिए ये जारी किया गया है बिहार सरकार द्वारा, ये ऑफिशियल हो गया। अलग अलग जिला का यहाँ पे नोटिफिकेशन है, उस पर भी हम क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता देते हैं, जैसे कि सब बहुत सारे लोगों को सबसे बड़ा डाउट्स है कि इसमें आवेदन जो जमा करना है कहाँ जमा करना है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे आवेदन जो जमा करने का जो प्रोसेस है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताया गया है कि आवेदन जो है आपको सबसे दो जगह ही आप जमा कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर आपको जैसे जिस भी विद्यालय में जैसे वैकेंसी निकलता है तो अलग अलग सीट है, हर एक विद्यालय में किसमें कितना सीट है वो सब क्लियर किया गया है कि कौन से पंचायत में है। तो सबसे पहले आप जो है विद्यालय में जमा कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप जो है प्रखंड जिला पदाधिकारी को, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जमा कर सकते हैं। दो ही व्यक्ति को आपको जमा करना है, या तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नहीं तो दोस्तों आपको विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक जो होते हैं, हेडमास्टर भी बोलते हैं उनको, वो इस दोनों में से किसी को भी आप जो है
4 सितंबर तक दोस्तों आप फॉर्म भर जमा कर सकते हैं, उसके बाद आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों जैसे आप जमा करेंगे तो आपको जो है प्राप्ति रसीद भी मिलेगा, ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए कि जैसे आप जमा करते हैं किसी भी जगह पे तो आपको जो आप जमा करेंगे इसका क्या सबूत है, तो आपको साथ में जो है यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म जो है बताते हैं, यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म हर एक जिला के भी आता है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप जमा करेंगे तो आपको लास्ट में जो है ये आवेदन का प्राप्ति है ये दोस्तों आपको जो है काट कर इस पे सारा चीज लिखा रहेगा और मोहर सिग्नेचर करके, जैसे आप अगर आप टीचर को जमा करते हैं हेड टीचर को प्रधानाध्यापक को तो वो अपना मोहर करेंगे, अगर आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जमा करते हैं तो वो आपको जो है इसी को प्राप्ति आधा जो है आपको हस्ताक्षर करके वो दे देंगे, क्योंकि आपको एक सबूत होना चाहिए कि आपने जमा किया है या नहीं किया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आपका जो 4-5 क्वेश्चन है उस पर क्लियर कर देते हैं। तो आपको अब यहाँ पे सबसे पहले अपने जिला का नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ हर एक जिला का लिंक डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ जिला का आया है सबका नहीं आया है, लेकिन आपको जो है एक ही प्रोसीजर है आपको चेक करने का। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए दरभंगा का खोलते हैं, इसका आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो हर जिला का जो वेबसाइट होता है वो दोस्तों जिला का नाम और NIC.in होता है। यहाँ पे आपको नोटिस का एक सेक्शन होता है, इसमें आपको रिक्रूटमेंट होता है, थोड़ा सा जूम इसको भी कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्तों ये हम क्लियर कर देना चाहते हैं आप लोगों को। हर जिला का जो है वेबसाइट हम ओपन कर लेंगे और भी जिला का बताएंगे। यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 तारीख के डेट में नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है, और इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करेंगे तो दोस्तों देख लीजिए जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा ये जारी किया गया है और जिसमें ये सारा दावत बताया गया है। तो दोस्तों वो तो ऑफिशियल सरकार का, बिहार सरकार का था, लेकिन सभी जिला में अलग अलग वैकेंसी है, जो कि आपको पहले भी पता होगा कि ये इस नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि कौन से जिला में कितना सीट है, ये आपको पता है। तो अलग अलग जिला द्वारा जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिया जाएगा कि अब यहाँ पे कौन आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे महिला कर सकते हैं या पुरुष कर सकते हैं। जैसे ये दरभंगा का है तो इसको हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आवेदन का तिथि दिया गया है, और उसके बाद दोस्तों जो आवेदन में मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे दोस्तों कुछ और जानकारी भी दिया गया है, जैसे लोगों का कहना है कि इसमें जो मेरिट लिस्ट आएगा किस आधार पर आएगा, तो चयन जो प्रकार है वो समझिए। सबसे पहले मैट्रिक का जो अंक है उसमें दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि मैट्रिक या उसके समक्ष अंक प्राप्त अंक के प्रतिशत एवं अन्य अंक जोड़कर अभ्यर्थी का मेगा सूची तैयार किया जाएगा, यानी कि दोस्तों आपके मैट्रिक का जो नंबर है उसके बेसिस पे जो है आपका मेरिट लिस्ट आएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि साक्षरता शिक्षा या सरकार के किसी योजना में कम से कम 6 माह से अधिक समय तक काम करने वाले को मानदेय या वेतन में प्राप्ति प्रमाण पत्र के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। एक और दोस्तों आपको बता देते हैं, अगर आप सरकार के यहाँ 6 मंथ से ज़्यादा किसी भी विभाग में काम किए हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रिफ्रेंस दिया जाएगा कि आपका जो है मेरिट लिस्ट में पहले नाम आएगा, क्योंकि जो लोग कार्य कर चुके हैं ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा वहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैटर करता है कि आपके जो पंचायत है, स्कूल है, उसमें दोस्तों जो लोग भी आवेदन किए हैं उसमें कोई अगर 6 महीना कार्य किए हुए हैं सरकार के यहाँ, तो उनको दोस्तों वहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 महीना से 1 साल तक कार्य करने वाले को 5 नंबर दिया जाएगा, और अगर दोस्तों 1 वर्ष से अधिक काम किए हैं तो उनको 10 अंक दिया जाएगा, और यहाँ पर बताया जाएगा कि 10 अंक अधिकतम अनुभव का होगा, यानी कि दोस्तों 10 अंक से ज्यादा अनुभव का नहीं होगा। अब मान लीजिए उसके बाद दोस्तों मैट्रिक का नंबर हो गया, उसके आधार पर सूची यहां पे तैयार किया जाएगा। तो दो ही यहां पे प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि ये मैट्रिक का नंबर पे ही होने वाला है, लेकिन जो लोग सरकार के यहाँ काम किए हुए हैं उनको थोड़ा सा 10 नंबर दिया जाएगा, उनको थोड़ा सा प्रिफ्रेंस मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि ये 18 वर्ष है न्यूनतम और 45 वर्ष अधिकतम है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल है कि कौन आवेदन कर सकते हैं, तो जैसे आप अपने जिला का नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें कोटी में जाति यहाँ पे दलित और महादलित इनका लिखा हुआ, लेकिन आपके जिला में हो सकता है कि यहाँ पे जो है आरक्षित वर्ग या दोस्तों निम्नलिखित और अलग अलग वर्ग का नाम भी हो, लेकिन आप यहां से कोटी चेक करेंगे ये आपके जिला का नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा। तो यहां पे ज़्यादातर तो यहां पे दलित और महादलित के लिए निकाला गया है, जिसमें दोस्तों यहां पे बताया गया कि जाति आवासीय तो लगेगा ही जैसा कि हमने आपको बताया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्यालय के पोषक क्षेत्र के आवेदक को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि अगर आप विद्यालय के आसपास के हैं तो उस मतलब स्थिति में आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। साथ में दोस्तों बताया जा रहा है कि सभी प्रखंड के पद महिला के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों आपको बता दें ये जिला के ऊपर डिपेंड करता है, पहले हमने बताया है, तो इस जिला में दरभंगा जिला में ये महिला के लिए जो है सीट आरक्षित किया गया है, यानी कि दोस्तों इसमें सिर्फ महिला ही आवेदन कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है।
और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दिशा निर्देश है, ये भुगतान वगैरह ये सब बता दिया गया है इसमें। और यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके पंचायत या जो भी है उसमें, मान लीजिए किसी जिला का आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया, तो उस परिस्थिति में आप कैसे चेक करेंगे कि आपके जो विद्यालय है उसमें सीट है या नहीं। तो ये दोस्तों उसी नोटिफिकेशन में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसी नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। जैसे प्रखंड का नाम है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए बिरौल हो गया, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे रिक्त पद के बारे में बताया गया है, सीमा के बारे में बताया गया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कौन से विद्यालय है और कितना सीट है। तो देखिए यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे नाम हो गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विद्यालय का नाम हो गया, सीट एक है और किसके लिए सीट है तो ये समझ लीजिए दलित महादलित महिला के लिए है। तो यहीं पे आपको आरक्षण कोटि में पता चल जाएगा कि कौन से कास्ट के लिए है, महिला के लिए है या पुरुष के लिए, यहाँ से आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों नोटिफिकेशन में, और यहाँ पे भी आपको जो है जो फॉर्म है आवेदन फॉर्म यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि नोटिफिकेशन में भी आपको फॉर्म रहता है। देखिए यही वाला फॉर्म हो गया और इसी को प्रिंट आउट करके दे दिया जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे आपको सारा जानकारी तो समझा दिए, लेकिन हर एक जिला का थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होगा ही, आपको पहले हम क्लियर कर देते हैं। और अपने जिला का कैसे डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन, तो सबसे पहले किसी भी जिला का हम अपने आपको बताया, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कोई भी जिला खोल लेते हैं, बेगूसराय ऑफिशियल वेबसाइट, सबका लिंक है। और सब में दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको जाना है आपको नोटिस वाले सेक्शन में, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी आया नहीं है, देखिए क्या है कि नोटिफिकेशन धीरे धीरे जारी किया जा रहा है, तो आपको डेली अपने जिला के NIC वेबसाइट पे, जो हमारे वेबसाइट पे ऑफिशियल सबका लिंक है, यहाँ पे आना होगा और रिक्रूटमेंट सेक्शन में देख सकते हैं या दोस्तों आप जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट में भी देख सकते हैं, यानी कि अलग अलग कैटेगरी इसमें भी देख सकते, ज़्यादा चांस है कि रिक्रूटमेंट वाला कैटेगरी में आता है, बाकी अनाउंसमेंट में भी कभी कभी आ जाता है, होम पेज पे भी आ जाता है। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए आपको क्लिक करना है और व्यू पे क्लिक करेंगे आपका मिल जाएगा, लेकिन अभी इस डिस्ट्रिक्ट का नहीं आया है भागलपुर का, लेकिन एक चीज बता दे आज संडे है, हो सकता है सोमवार को मंगलवार को धीरे धीरे सबका जारी कर दिया जाएगा। तो ये दिमाग में आप रख लीजिएगा कि आपके यहाँ पे हर एक जिला का आपको अपना वेबसाइट खोलना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन में भी आप चेक कर लीजिएगा और रिक्रूटमेंट में भी। तो यहाँ पे ये देख लीजिए नोटिफिकेशन है, इस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं, या दोस्तों यहाँ पे रिक्रूटमेंट है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं नोटिस में जाके। तो यहाँ पे सब जिला का चेक कीजिएगा और आप अपना जो है चेक कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर कर दे कि ज़्यादातर लोगों का सवाल था कि हम अपने दूसरे जिला का आदमी दूसरे जिला में कर सकता है कि नहीं, तो कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता जो है आपको अपने जिला का नियर बाई लोगों को ही दिया जाएगा यहाँ पे, ये भी बात समझ लीजिए। तो आई होप के दोस्तों आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्या है, और कोई और डाउट्स है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक और सवाल है कि अदर स्टेट वाले कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये बिहार के लोगों के लिए ही है, जिला वाइज आया हुआ है। तो नीचे कमेंट कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन है तो हम वीडियो जरूर उसका लेके आएंगे। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।